हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं सीईटी मैथ क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैथ का कंसेप्ट ही नहीं आता तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? और यही दोस्तों, अगर आपको मैथ का कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आपके लिए मैथ बिल्कुल हलवा है। मैथ आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी दोस्तों। और क्लास 8 की मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कंपटीशन देते हैं तो उसमें 15 से लेकर के 20 तक के जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास 8 से ही आते हैं। इसलिए क्लास 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्लास 8 समझ में आएगी तभी तो आपको आगे क्लास 9 समझ में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। मतलब कि एक क्लास है जिसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनकी जो संख्या है वो आपको रेशियो में गिवन है, जो है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब कि अब जो बॉयज की संख्या है वो गर्ल्स की संख्याओं से 8 ज्यादा है। जैसे कि अगर गर्ल्स मान लिया क्लास में 20 है तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज दोस्तों 28 होंगे, 8 ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देखिए रेशियो है आपके पास 7:5, तो मतलब कि बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? आपको कहा गया है दोस्तों कि जो बॉयज है वो 8 मोर देन द गर्ल्स। मतलब कि बॉयज का 7x और गर्ल्स का 5x सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इक्वेशन बना के इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। ओके, अब देखिए आपको क्या बोला है? आपको कहा है दोस्तों कि जो गर्ल्स है उससे 8 ज्यादा बॉयज की संख्या है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए अगर 5x गर्ल्स का है सो इससे 8 मोर देन क्या हो जाएगा? बॉयज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। इसको आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ये 5x है, इसको इक्वल टू किस साइड लाएंगे तो 7x माइनस 5x हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा इक्वल्स टू 8। अब इस 2 को इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे, तो जब हम इसको इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा, तो 1 4। सो x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। अब गर्ल्स का हमने कितना लेट किया था? 5x, और बॉयज का 7x। अब पुट करके हम अच्छे से निकाल लेंगे अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है वो। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों कि 5x इज इक्वल्स टू 5 × 4 जो आ गया 20। एंड तो यहां पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहां हमें लिख भी देना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 20 एंड 7x इज इक्वल्स टू 7 × 4 इज 28। मतलब नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 28। अब देखिए हमें गर्ल्स का कितना है, बॉयज का कितना है, ये तो पूछा नहीं है, हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछा है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं वो आपको फाइंड करना था यहाँ पे। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे तो 20 + 28 कितना हो जाएगा? 48। मतलब पूरी क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें से दोस्तों 20 गर्ल्स हैं और 28 बॉयज हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।